हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट और बोर्ड एग्जाम 2020 में इंग्लिश में 100 में 90 मार्क्स पाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि ये वही चैनल है जिसमें बोर्ड एग्जाम 2019 में काफी संख्या में छात्रों ने 90% से अधिक मार्क्स अंक अर्जित किए हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2020 में 100 में से 90% पाना, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में मैं आज के स्टूडेंट बताऊंगा क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में आप कैसे 100 में से 90 पा सकते हो। पूरा मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ बताता हूँ, इसीलिए सभी बच्चे सक्सेस पाते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहो और वीडियो ये पूरा अंत तक देखना जो मैं बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप ये सभी बातें फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश में इस बोर्ड एग्जाम 2020 में 100 में से 90 मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये क्या मैंने लिखा है ये भी मैं वीडियो के बीच बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें सबसे पहले जो आता है वो रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट वेनेशन, मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा। ठीक है, ये 7 चैप्टर रहेंगे। ये प्रोज से आता है, प्रोज में ये 7 चैप्टर। ए गर्ल विथ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर, सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, होम कमिंग एंड जॉन्स हर्ट, वुमेन एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 7 चैप्टर है, इसमें से आता है रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इस 7 में से किसी 2 चैप्टर में से आएगा और वो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक करना रहेगा। मतलब काफी इजी रहेगा, मतलब एक आपको मिला रहता है, जैसे यहाँ पर एक दिया रहेगा, पूरा उस चैप्टर के बारे में लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रेफरेंस में लिखना रहेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया और इसके राइटर कौन है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में बताना रहेगा उसके बारे में कुछ शॉर्ट में, और एक्सप्लेनेशन मतलब जो दिया रहेगा उसी का बस एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 8 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, आपको ये 7 चैप्टर से जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एक एक मैं करा दूंगा, ताकि आपका किसी भी चैप्टर से आए तो आप 2 ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें से एक कर ले जाना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आंसर रहता है वो रहेगा प्रोस से, मतलब यही प्रोस से आपका रहेगा। ये 7 चैप्टर में से आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, वो रहेगा 4 नंबर का। मतलब काफी इजी है यार, यहां से आप आराम से 8 और 4 12 मार्क्स आप आराम से प्रोस में से उठा सकते हो। कैसे, सबसे पहले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, फिर क्वेश्चन आंसर, मतलब आपको इन 7 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से मात्र आपको एक क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन तो आपको एकदम मतलब हवा हवाई रहेगा, एकदम आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा और ऑप्शन भी दिया रहेगा, उसी में से आपको ढूंढ कर सही ऑप्शन बताना रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें से एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 4 नंबर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन का साथ रहेगा तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा जो रहेगा लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग आंसर क्या है, ये है आपका प्ले से, द प्ले है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें से मैं आपको 2019 में भी और 2018 में भी 5-5 क्वेश्चन बताया था, जिसमें से आपको मात्र 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप ये 5 क्वेश्चन तैयार करते हो, क्योंकि इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मैं इसमें से मात्र 5 क्वेश्चन बता दूंगा। अगर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में से अगर आप ये तैयार कर लिए तो आपका ये 8 नंबर एकदम श्योर हो जाएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, वो रहेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, प्ले से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, ये क्या है, ये कहां से पूछा जाएगा, शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी में टोटल आपके 4 चैप्टर है, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर डे, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द स्पेशल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 4 चैप्टर रहेंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको 2 करना रहेगा, और ये 4×2 मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर रहेगा। इन 4 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर बस करने रहेंगे। ठीक है, मतलब 8 नंबर आप यहां से चुटकियों में ले सकते हो। ये 4 चैप्टर बहुत इजी है, अभी मैं एक एक चैप्टर आपको बताता हूँ कैसे कैसे मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर आपका रहेगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, देखो ये आपका था प्रोज से पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला आपका रहेगा पोएट्री से, पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर, ये देखो पोएट्री है, पोएट्री में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन में से एक कंपलसरी रहेगा, ये भी रहेगा 8 मार्क्स का, वही करना रहेगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या इस पोएट्री चैप्टर का। ठीक है, फिर आपका रहेगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया तो आप 10 मिनट में याद कर सकते हो, ये आपका यही 10 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, जिसमें से आपको 3 चैप्टर का नाम जैसे देगा, देखिए यहाँ पर दे दिया द ट्रू ब्यूटी, ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का एकदम मुफ्त में रहता है, क्लियर है।
फिर आपका रहेगा आठवां फिगर ऑफ स्पीच, ये भी आप चुटकियों में कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं करना रहता है, इसमें आपको करना रहता है मतलब जैसे मेटाफर हाइपरबोला, कोई इसमें से तीन पूछा रहेगा उसमें से सिर्फ एक का आपको बताना है ये क्या होता है और दो एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका चार नंबर एकदम मुफ्त मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जितने आपको आठ क्वेश्चन आंसर बताया ये सभी रहेगा आपका सेक्शन ए में, मतलब टोटल आपका सेक्शन ए से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी इतना इजी है, सेक्शन ए से भी इजी है। सेक्शन बी में जो नौवां क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका टोटल हो जाएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका दसवां रहेगा आइडम्स एंड फ्रेसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स, ये टोटल 14 मार्क्स का, देख रहे हो 14 और 8 22 मार्क्स का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर इधर बीच मेहनत कर दिए तो आप आराम से ये 14 और 8 22 नंबर ले जा सकते हो, ठीक है। 11वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो पोयम एंड समरी लिख सकते हो, अगर ये भी नहीं आता है तो आप शॉर्ट एसे एंड मैच द फॉलोइंग कर दोगे तो आपको 10 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। 12वां रहेगा आपका एसे, 5 चैप्टर 5 एसे दिया रहेगा, उसमें से एक एसे सिर्फ आपको करना है जो जिसके बारे में आपको अच्छे से पता रहेगा उसके बारे में आप लिख दोगे 12 नंबर आसानी से। फिर रहेगा 13वां अनसीन पैसेज, मतलब कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई पैसेज दे दिया किसी के बारे में, ताजमहल के बारे में, और उसी ताजमहल के बारे में उसी पैसेज में से ढूंढ कर क्वेश्चन लिखना रहेगा, वो आपको 6 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा, टोटल 50 मार्क्स आपका सेक्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो जिस तरीके से मैं स्टार्ट कराऊंगा, सबसे पहले मैं प्रोज स्टार्ट कराऊंगा, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा समरी, फिर शॉर्ट स्टोरी, फिर पोएट्री, ठीक है, और फिर लास्ट में प्ले। तो ये पहला 4 मैं खत्म कर लूंगा, फिर मैं आपको आऊंगा, आपको इधर आऊंगा ग्रामर सेक्शन में, ठीक है, ग्रामर सेक्शन करा दूंगा, फिर मैं आपको आऊंगा सेंट्रल आइडिया पे, ठीक है, और फिर जो एसे वगैरह लिखने रहेगा ट्रांसलेशन वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रोज में, प्रोज में अ गर्ल विथ बास्केट पहला चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारे आपके जो स्क्रीनशॉट ले लेना इस पीडीएफ का, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इस सभी बातें जानना 2020 में अगर आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इंग्लिश में 100 में से 90 नंबर आराम से पाओ तो आप हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन करो, उसमें आपको सारे चीज का सभी चैप्टर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर का, आपको जो ये यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का आता है, सेंट्रल आइडिया हर चैप्टर का आता है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा एकदम, आपको कुछ नहीं करना है। टॉप 100 बैच में सिर्फ 500 रुपये फीस है पूरे साल की, ठीक है, 500 रुपये पूरे साल की फीस है। इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर्स, 10 साल का पिछले वर्षों का पेपर, मतलब उस सारा चीज जिसकी मदद से अगर आप तैयार कर लिए तो 85+ आराम से पा सकते हो, जिस तरीके से 2019 के बोर्ड एग्जाम में शुभम क्लासेस से बच्चे पढ़ाई कर पाए हैं। तो अगर आप चाहते हो तो 500 रुपये 70 84 81 60 009 इस पर मैसेज करो कि सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है, बहुत कम सीट है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो ताकि आप भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सको। और ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप दिया है वहां पर जुड़ जाना, मैं सभी का पीडीएफ डाल देता हूं। और मैं सबसे पहले प्रोज स्टार्ट करूंगा, फिर शॉर्ट स्टोरी, फिर पोएट्री, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का कहीं पे भी कोचिंग आप करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही करते हो, लेकिन इंग्लिश में बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं कराऊंगा, अगर आप उस तरीके से करते हो तो आप आराम से 85 नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।